हाय फ्रेंड्स, दिस इज विभु दत्त फ्रॉम साउंड टेक्नो गाइड। आज के ये वीडियो में हम अनबॉक्सिंग एंड साउंड टेस्ट करने वाले हैं ओबेस ST101 होम थिएटर ब्लूटूथ सिस्टम का। अगर ये वीडियो आप हमारे चैनल में पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। सो फ्रेंड, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फ्रेंड्स, अनबॉक्सिंग करने से पहले आप स्क्रीन में इसका डिटेल स्पेसिफिकेशन देख सकते हैं। तो आप जब इसको परचेस करेंगे तो आपको रिटेल यूनिट कुछ ऐसे देखने के लिए मिलेगा। इसके अंदर आपको और एक बॉक्स मिलता है। तो अभी हम इसको ओपन कर देते हैं। तो ये है हमारा ओरिजिनल बॉक्स पैक। तो इसका क्लोज लुक मैं आपको दिखा देता हूं। तो ये जगह में ओबेस का ब्रांडिंग है, ST101 मॉडल है ये, एंड ओबेस.in उसका साइट नेम है। एंड इसमें आपको इनबिल्ट ब्लूटूथ मिलता है एंड ये 4.1 मल्टीमीडिया स्पीकर सिस्टम है। अगर बॉक्स का ये साइड में देखते हैं तो यहाँ पे भी कुछ डिटेल्स लिखा गया है, जैसे LED डिस्प्ले आपको मिलता है, रिमोट कंट्रोल मिलता है, मोर क्लैरिटी, USB एंड माइक का सपोर्ट भी आपको मिलता है। तो अभी हम ये बॉक्स को ओपन कर देते हैं। तो जैसे ही आप बॉक्स ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पे कुछ पेपर डॉक्यूमेंट मिलता है, जैसे कि ये ओबेस का वेलकम एंड थैंक यू कार्ड है। तो नेक्स्ट आपको एक वारंटी रजिस्ट्रेशन का कार्ड मिलता है एंड उसके बाद आपको पहले सैटेलाइट स्पीकर का रैक मिल जाता है जिसमें 4 सैटेलाइट स्पीकर है। तो मैं यहाँ पे इसको ओपन कर देता हूँ। तो नेक्स्ट आपको इसमें 2 पाउच मिलता है। तो एक एक करके मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। तो पहला पाउच में आपको एक RC2 3.5 mm का एक केबल मिलता है, जो कि आप आज ऑक्सिलरी केबल इसको यूज कर सकते हैं। तो सेकेंड पाउच में भी आपको 2 केबल मिलता है, एक ऑक्सिलरी केबल है जो कि 3.5 mm मेल टू 3.5 mm मेल का है, और सेकेंड एक RC केबल मिलता है जो कि लेफ्ट एंड राइट टू लेफ्ट एंड राइट है। और नेक्स्ट आपको यहाँ पे रिमोट कंट्रोल मिलता है। तो रिमोट कंट्रोल का भी क्लोज लुक मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। तो अभी हम सब ऊपर को बाहर निकाल देते हैं। तो फर्स्ट इंप्रेशन में मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो सब ऊपर एंड 4 सैटेलाइट स्पीकर है ये सब वुडन में बना है, इसीलिए ये काफी वजनदार है। तो पहले मैं आपको इसका रिमोट दिखा देता हूं। जैसे कि रिमोट का ऊपर पावर बटन है, साइड में म्यूट बटन है एंड यहाँ पे वॉल्यूम प्लस एंड माइनस है, मोड बटन है एंड USB स्कैन है एंड ये जगह में यूटिलाइजर है, RPT है एंड यहाँ पे रिव्यू एंड फॉरवर्ड है। तो ये दोनों स्टार दिया गया है, चारों तरफ से चारों स्टार बटन है एंड ये जगह में वॉल्यूम कम ज्यादा है एंड ये जगह में रिव्यू फॉरवर्ड आप कर सकते हैं एंड ये प्ले एंड पॉज बटन है एंड ये जगह में न्यूमेरिक बटन दिया गया है। तो ये हमारा सब ऊपर है, जैसे कि ओबेस का यहाँ पे ब्रांडिंग दिया गया है एंड ये साइड में एंड ऊपर की तरफ यहाँ पे ग्लोसी फिनिश दिया गया है, जैसे आप स्क्रीन में देख सकते हैं। एंड ये जगह में उसका मॉडल नंबर लिखा गया है, ये उसका बटन एंड डिस्प्ले पैनल है। जैसे ये जगह में आप SD कार्ड स्लॉट है जो कि आप SD कार्ड यूज कर सकते हैं। यहाँ पे USB का प्रोविजन दिया गया है एंड ये जगह में ऑक्सिलरी पोर्ट दिया गया है, कोई भी ऑक्स केबल आप कनेक्ट कर सकते हैं। ये मोड बटन है, रिव्यू फॉरवर्ड एंड प्ले एंड पॉज बटन है एंड यहाँ पे छोटा सा डिस्प्ले दिया गया है जो कि हम इसको ऑन करने के बाद पता चलेगा। एंड ये जगह में IR सेंसर दिया गया है जो कि रिमोट के लिए है एंड ये उसका सब ऊपर है जो कि 6.5 इंच का ड्राइवर के साथ है। एंड अगर हम इसका साइड व्यू देखते हैं तो यहाँ पे एयर वेंट दिया गया है एंड बैक साइड ये है, ये बैक साइड भी इसका ग्लोसी फिनिश है एंड यहाँ पे ओबेस का ब्रांडिंग के साथ साथ यहाँ पे डिटेल्स दिया गया है। एंड ये जो लेफ्ट साइड है यहाँ पे उसका सभी पोर्ट दिया गया है, जो कि इसका पावर कार्ड ये है जो कि 2 पिन के साथ आपको मिलता है। यहाँ पे ऑन ऑफ का बटन है एंड ये जगह में माइक के लिए प्रोविजन दिया गया है, आप एक्सटर्नल माइक यहाँ पे लगा सकते हैं। एंड ये जगह में एंटीना के लिए प्रोविजन दिया गया है, आप एंटीना लगा सकते हैं। एंड 3 नॉब यहाँ पे दिया गया है, एक वॉल्यूम के लिए है, एक बेस के लिए है एंड एक ट्रिबल के लिए है। एंड यहाँ पे कनेक्शन सैटेलाइट स्पीकर विथ ऑक्सिलरी कनेक्शन के लिए यहाँ पे पोर्ट दिया गया है। तो ये उसका सैटेलाइट स्पीकर है। तो चारों स्पीकर सेम है, तो यहाँ पे 3 इंच का ड्राइवर दिया गया है एंड ये भी ग्लोसी फिनिश के साथ आपको मिलता है एंड ये प्योर वुडन में है एंड यहाँ पे वॉल माउंट के लिए भी प्रोविजन दिया गया है। एंड इसका पिन आप देख सकते हैं, पिन कुछ ऐसा है, तो आपको सब ऊपर के साथ इसको कनेक्ट करना पड़ेगा। तो ये सभी सैटेलाइट स्पीकर में आपको लगभग 2 मीटर का वायर मिलता है, तो सब ऊपर के 2 मीटर का रेडियस के अंदर आप सभी सैटेलाइट स्पीकर को लगा सकते हैं। तो ये जगह में आप देख सकते हैं ऊपर का जो 4 यहाँ पे पोर्ट दिया गया है, इसमें एक लेफ्ट लिखा है, एक राइट लिखा है, ऐसे 2 लेफ्ट है, 2 राइट है। तो आपको राइट साइड का राइट में लगाना है एंड लेफ्ट साइड का जो सैटेलाइट स्पीकर का पिन है उसको लेफ्ट में लगाना है।
तो इसके लेफ्ट साइड में आपको ऑन ऑफ का बटन मिलता है, तो मैं यहाँ पे ऑन कर देता हूँ। तो जैसे ही ऑन करेंगे तो यहाँ पे आपको एक रेड कलर का लाइट यहाँ पे ऑन हो जाता है एंड यहाँ पे लाइन आ जाता है, मीन्स यहाँ पे जो मोड है उसमें लाइन लिखा गया है। तो जैसे ही मोड बटन में यहाँ पे आप क्लिक करते हैं तो पहले ओपीटी आता है, उसके बाद ब्लूटूथ आता है, उसके बाद एफएम आता है एंड उसके बाद फिर से लाइन आ जाता है। तो उसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट एंड प्रीवियस का बटन मिलता है एंड प्ले एंड पॉज बटन मिलता है। तो इसके रिमोट का पावर बटन से आप इसका पावर ऑन ऑफ कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे अभी पावर ऑफ हो गया, तो ये जगह में फिर से अगर आप प्रेस करेंगे तो पावर ऑन हो जाता है, बट यहाँ पे जो रेड कलर का लाइट है ये हमेशा जलता रहता है, जब तक आप पावर सप्लाई से ऑफ नहीं करते तब तक ये लाइट जलता रहता है। एंड ये साइड में म्यूट बटन है, तो यहाँ पे म्यूट कर देते हैं तो ये जो डिस्प्ले है ये यहाँ पे ब्लिंक होता रहता है। तो ये मेरा मोबाइल फोन है, तो मोबाइल फोन से मैं इसको ब्लूटूथ में कनेक्ट करूंगा, तो आपको ब्लूटूथ में जाना है। तो जैसे ही ब्लूटूथ में जाएंगे सर्च करेंगे तो यहाँ पे ये शो करेगा, जैसे यहाँ पे ओबेज आ गया है तो ओबेज में आपको क्लिक कर देना है एंड ये जगह में आपको पेयर कर देना है। तो जैसे ही ये पेयर हो जाता है तो ऐसे म्यूजिक आता है, मीन्स ये पेयर हो गया। तो अभी हम एक म्यूजिक ओपन करते हैं, तो यहाँ पे मैं एक म्यूजिक प्ले करने वाला हूँ, बेटर रहेगा आप हेडफोन यूज कीजिए तो आपको इसका म्यूजिक क्वालिटी बेटर पता चलेगा। तो यहाँ पे मैं इसको प्ले कर देता हूँ। तो मैं मोबाइल फोन से फेस वॉल कर दिया हूँ। तो यहाँ पे फुल वॉल्यूम जो है वो 32 तक है, जैसे आप ये जगह में देख सकते हैं। तो इसका बेस का जो डेप्थ है वो बहुत ही अच्छा है, आपको प्योर बेस यहाँ पे मिलेगा। अगर आपको बेस बूस्ट वाला गाना सुनना है तो आपको जो साइड में नॉब दिया गया है उसका बेस एंड ट्रिबल का नॉब दिया गया है, तो बेस का नॉब आपको कम करना पड़ेगा। तो ये जगह में आप इक्वलाइजर भी चेंज कर सकते हैं, जैसे आप देख सकते हैं पॉप है, आपको रॉक मिलता है एंड जैज मिलता है, तो आपको यहाँ पे 3-4 इक्वलाइजर मिलता है, तो ये बटन से आप उसको चेंज कर सकते हैं। एंड ये जगह में भी वॉल्यूम कम ज़्यादा आप कर सकते हैं एंड यहाँ से भी वॉल्यूम कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप कोई भी डिवाइस से यहाँ पे प्ले कर रहे हैं, यहाँ से अगर आप नेक्स्ट सॉन्ग प्ले करेंगे तो भी आपका मोबाइल फोन या लैपटॉप वगैरह से सॉन्ग जो है वो नेक्स्ट हो जाएगा। अगर आपको ऑक्सिलरी पोर्ट में कनेक्ट करना है तो सिंपल आपको यहाँ पे कनेक्ट कर देना है ऑक्सिलरी केबल को एंड यहाँ पे जो आपका मोबाइल फोन या लैपटॉप में जो भी ऑक्सिलरी पोर्ट रहेगा वहां पे आपको कनेक्ट कर देना है। तो उससे पहले आपको यहाँ पे लाइन इन जो पोर्ट है इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है, तो यहाँ पे ये प्ले हो रहा है। जैसे कि मैं यहाँ पे इसको निकाल देता हूँ तो ये बंद हो गया एंड यहाँ पे लगा दिया तो ये चालू हो गया। तो आपके लिए सेकेंड ऑप्शन भी है, जैसे मैं आपको बताया था यहाँ पे RC2 3.5 mm का भी आपको एक केबल कंपनी प्रोवाइड करता है, तो उसको भी आप इसका साइड पोर्ट में लगा सकते हैं एंड ये जो 3.5 mm का पिन है इसको भी आप आपका लैपटॉप टीवी या मोबाइल फोन में कनेक्ट कर सकते हैं। तो अभी लाइन पोर्ट में हम चेंज कर दिए तो यहाँ से भी ये प्ले हो रहा है, जबकि हम यहाँ पे RC2 3.5 mm का जो पिन है ये केबल को यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं आपको और एक केबल दिखाना भूल गया, जैसे कि यहाँ पे कंपनी आपको एंटीना के लिए भी एक छोटा सा केबल यहाँ पे प्रोवाइड करता है, तो ये केबल को अगर आप लगा देते हैं तो आप FM रेडियो वगैरह सुन सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे मैं आपको ये होम थिएटर का डिटेल्स दिखाया एंड इसका साउंड सुनाया, तो मैं जितना इसका साउंड सुना मुझे इसका साउंड क्वालिटी काफी अच्छा लगा। तो इसमें आपको ब्लूटूथ 5 मिलता है, तो कनेक्टिविटी में आपको कोई भी इशू नहीं आएगा, आप कोई भी डिवाइस में इसको इजीली कनेक्ट कर सकते हैं एंड इसका जो मैक्सिमम आउटपुट है वो 65 वाट का है। तो अगर आप इसको कोई 15x15 या 15x20 का रूम में सुनते हैं तो आपको साउंड क्वालिटी काफी अच्छा लगेगा एंड हर कोने में आपको आवाज अच्छा तरीके से सुनाई देगा। अगर आप इसको आउटडोर में यूज करेंगे तो आपको साउंड क्वालिटी इतना अच्छा नहीं मिल पाएगा एंड सबसे अच्छा बात है कि इसका बॉडी जो है ये वुडन में बना है, इसीलिए इसका जो बेस इफेक्ट है वो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा एंड जो सैटेलाइट स्पीकर है इसका बॉडी भी वुडन में बना है, इसीलिए इसका साउंड क्वालिटी को ये काफी एनहांस कर देता है।
अगर कनेक्टिविटी का बात करते हैं तो इसमें आपको मल्टीपल कनेक्टिविटी का ऑप्शन दिया गया है, जैसे कि आप ऑक्सिलरी पोर्ट के थ्रू में कनेक्ट कर सकते हैं, ब्लूटूथ के थ्रू में कनेक्ट कर सकते हैं, और उसके साथ साथ इसमें आपको आरसी पोर्ट भी मिलता है। एंड ये होम थिएटर में आप यूएसबी पेन ड्राइव भी लगा के गाना वगैरह सुन सकते हैं या एसडी कार्ड के थ्रू में भी गाना सुन सकते हैं। एंड यहाँ पे फिजिकल नॉब दिया गया है, जैसे कि आप वॉल्यूम कंट्रोल कर सकते हैं, बेस एंड ट्रिबल को भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो अभी हम इसका थोड़ा सा डिमेरिट के बारे में बात करते हैं। जैसे कि ये होम थिएटर का साउंड क्वालिटी एंड बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छा लगा, बट यहाँ पे जो डिस्प्ले दिया गया है ये थोड़ा सा आउटडेटेड जैसे लगता है। जैसे आप देख सकते हैं आज के डेट में कोई भी होम थिएटर या कोई भी म्यूजिक सिस्टम आप देखेंगे तो उसका जो बटन एंड डिस्प्ले पैनल वो काफी अट्रैक्टिव रहता है, बट यहाँ पे ये थोड़ा आउटडेटेड जैसे दिखता है, बट इसका म्यूजिक क्वालिटी के सामने वो हम इग्नोर भी कर सकते हैं। तो अभी हम बात करते हैं क्या 2022 में आपको ये होम थिएटर सिस्टम लेना चाहिए या नहीं। जैसे कि ये प्राइस रेंज में अगर आप मार्केट में देखेंगे तो आपको बहुत सारे होम थिएटर मिल जाएंगे, बट इसका जो साउंड क्वालिटी है आपको दूसरे में नहीं मिलेगा। इसका साउंड का क्वालिटी बहुत ही अच्छा है एंड इसका बेस का जो डेप्थ है वो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो आज के डेट में भी आप ये होम थिएटर को परचेस कर सकते हैं। तो ये होम थिएटर आपको amazon.in में मिल जाता है। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका बेस्ट लिंक दिया हूं, वहां पे जाके आप इसका करंट डेट का प्राइस पता कर सकते हैं। तो आशा करता हूं ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। अभी आप हमको फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड ट्विटर में फॉलो कर सकते हैं। तो हमारा सोशल मीडिया का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ऐसे ही देखते रहिए हमारा चैनल। टिल देन स्टे ट्यून्ड।